बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चनार न्यूज़। नाज़रीन, जापानियों की तवील उम्र का राज सामने आ गया, इसकी बड़ी वजह क्या है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेडिकल डॉक्टर शिना हमासाका ने 2 दहाइयों तक लंबे गुसल और चश्मों से निकलने वाले गर्म पानी में देर तक नहाने के तिबी फ़वाद का मुताला किया। कहा करीब 20 बरस कबल एक नर्स ने जो मम्मर मरीजों को घरों पर गुसल कराने में मदद फराहम करती थी, मुझसे मशवरा मांगा। इसे तशवीश थी कि बहुत से अफराद बुलंद फिशार खून के मरीज थे और ऐसे में गर्म पानी से देर तक नहाना इनके लिए महफूज भी है या नहीं। वो मजीद कहते हैं, इस वक्त इस सवाल को जवाब देने के लिए कोई साइंसी तहकीक मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि इस सवाल का जवाब साइंसी बुनियादों पर शवाहद की रोशनी में तलाश करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर ने मजीद कहा कि तवील अरसे कबल जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी में पहला तहकीकी मकाला शाया किया था, जिसमें गर्म पानी से बहुत देर तक गुसल करने वाले मम्मर अफराद की एहतियात से निगरानी करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। ताहम जल्द ही इन्होंने अपनी तहकीक को जापान में रोज़ाना पानी गर्म करने के टब में लीटरें तक फैला दिया। जलजलों आतशफिशानों के लिए मशहूर जापान में गर्म पानी के 27,000 चश्मे हैं। इन गर्म पानी के कुदरती चश्मों की बहतात की वजह से माजी में करीब हर जापानी शहरी की इन तक रसाई रही। इसी बिना पर गर्म पानी में देर तक लेटना और लंबा गुसल लेना एक तरह से जापान में कौमी रवायत बन चुका है। इस सिलसिले में तारीखी तौर पर मजहब ने भी कलीदी किरदार अदा किया। मकामी तौर पर बहुत से मंदिर आम लोगों को नहाने की जगह तक फराहम करती हैं। बहुत से बुद्ध रहनुमा लोगों को तवातर से गुसल लेने की नसीहत भी करते हैं। 1960 की दिहाई तक ज़्यादातर जापानी घरों में बाथरूम मौजूद नहीं थे और ऐसे में लोगों को अवामी गुसलखानों का रुख करना पड़ता था। इस बिना पर गुसल एक तरह से एक अवामी तकरीब और सकाफत में तब्दील हो गया था। अब जबकि हर घर में गुसलखाना मौजूद है, लेकिन अवामी गुसलखाने अब भी दिखाई देते।